अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, महबूब अली कलोड़ मैक्टी चैनल से आपके खिदमत में हाजिर। आप उर्दू बोल सकते हैं या इंग्लिश में बात करें? बिल्कुल जी, अच्छा आप हमारे व्यूअर को जो है ना बताएं कि प्लीज़ इस जो इमरा है इसके आप ट्रस्टी हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। जी, मैं जी इमरा का ट्रस्टी नहीं हूँ, मैं कैम का यूके किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन जो कि पाकिस्तान के जो मेडिकल कॉलेज की जो एलुमनाई हैं यूके में उसका ट्रस्टी हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा इमरा के साथ भी ताल्लुक़ है इन द सेंस के हारून साहब जो हैं माशाल्लाह जो इतना काम कर रहे हैं पिछले कुछ 20 साल से ज़्यादा हो गया इनको, और इन्होंने 100 से ज़्यादा कॉकलियर इम्प्लांट जो फ्री में लगाए हैं, तो इनके साथ हमारा ताल्लुक़ जो एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कैम का यूके का और इमरा का, जिसके ज़रिए हमने बहुत से प्रोजेक्ट इकट्ठे किए, ख़ास तौर पे अभी कोविड के दौरान लोगों को वेंटिलेटर्स या ब्रीदिंग मशीन की ज़रूरत थी, तो उसमें हमने कोई 170 के करीब जो हैं वेंटिलेटर्स जो हैं पाकिस्तान में डिफरेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स में भिजवाए, उसमें से कुछ जो हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, उसके अलावा मेयो हॉस्पिटल में, फिर इवन स्कर्दू में भी हमने वेंटिलेटर डिस्ट्रीब्यूट किए, उसमें से कुछ जो हैं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और कुछ जो हैं अभी रिसेंटली हमने भिजवाए हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों की दुआएं चाहिए और हम चाहते हैं कि लोगों को ये सहूलतें जो हैं हम प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने जो जिस तरीके से हमें बताया कि ये इमरा जो है वो सिर्फ ईयर एम्प्लॉयमेंट की काम नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा भी जैसे खुदा ना खास्ता के कोई भी ऐसी आफत आ जाती है और पेंडेमिक आ जाता है, जैसे कोविड ही आप मिसाल ले लें, उस पर भी इन्होंने कितना अच्छा काम किया कि यहाँ से वेंटिलेटर पहुँचाए पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर इस चीज़ की शार्टेज थी, तो ये मेरे समझ में है कि बहुत ही अच्छा काम है कि उन लोगों को उस टाइम पर आप चीज़ें दें जहाँ पर कोई उनका मददगार नहीं है और वो बेयार मददगार फील करते हैं, या हमारे गवर्नमेंट के पास वो फंड्स नहीं होते जो उनको वो चीज़ें दे सकें और किसी की जान जो है ना बचा सके। अल्लाह हाफिज़।